नमस्कार, मैं हूं राजेश पिपलोदिया और इस वक्त आप देख रहे हैं दोपहर न्यूज। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की एक खास खबर पर। रविवार को अंतिम चौराहा इंदौर स्थित राठौर मांगलिक भवन में श्री पदमवंशी मारवाड़ी राठौर पंचायत गोपाल मंदिर की साधारण सभा संपन्न हुई। इस दौरान कुछ मुद्दों को लेकर विरोधाभासी स्वर भी उभरे, लेकिन फिर भी सभा के दौरान अनेक निर्णय भी पारित किए गए। सभा के वर्तमान अध्यक्ष राजकुमार राठौर ने बताया कि नियम अनुसार सभा में शामिल होने वाले प्रत्येक व्यक्ति को हस्ताक्षर करने के बाद ही सभा में शामिल होना था। फिर भी हेमंत पंचौली, मंगेश पंचौली, नितिन राठौर, शेखर राठौर, मोहन गुलामिया सहित कुछ लोगों ने सभा का निर्णय दरकिनार करते हुए हंगामा शुरू किया कर दिया। इस पर उन सभी को समझाएं दी गई कि आप पहले नियम अनुसार रजिस्टर पर हस्ताक्षर करके आवे ताकि कार्रवाई आगे बढ़ाई जा सके, लेकिन सभी लोग हुड़दंग करते रहे। इस दौरान महामंत्री टीकम चंद राठौर ने सभी से कहा कि आपकी बात स्वीकार करते हुए सभा की कार्रवाई शुरू करते हैं, लेकिन कार्रवाई समाप्ति के बाद सभी हस्ताक्षर करके ही जाएं। सबने भगवान आनंदेश्वर महादेव की कसम भी खाई, लेकिन बिना हस्ताक्षर किए यह लोग चले गए। हालांकि सभा में उपस्थित लोगों की सहमति से कुछ महत्वपूर्ण निर्णय पारित किए गए हैं। 22 सितंबर को हमारे श्री पदमवंशी मारवाड़ी राठौर समाज की साधारण सभा संपन्न हुई। आज की सभा के लिए हमने सभापति के रूप में श्री महेश जी गिरोठिया का नाम चुनकर उन्हें मंचासीन कराया। तत्पश्चात हम लोगों ने भगवान आनंदेश्वर महादेव की पूजा अर्चना करके दीप प्रज्वलित किया और सभा की कार्यवाही शुरू की। सर्वप्रथम हमने हमारे समाज के पिछले वर्ष दिवंगत सभी समाजजनों को श्रद्धांजलि श्रद्धासुमन अर्पित किए। तत्पश्चात हमारे ट्रस्ट के महामंत्री श्री टीकम चंद जी राठौर ने पिछले वर्ष की साधारण सभा की कार्यवाही का वाचन किया, जिसकी सभा द्वारा पुष्टि की गई। उसी के बाद हमारे ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष श्री महेश जी पंचोली द्वारा आय व्यय पत्रक प्रस्तुत किया गया, जिसकी सभा के द्वारा पुष्टि की गई। उसके बाद हमारे ट्रस्ट के कुछ ट्रस्टियों ने संबोधन दिया। संबोधनों में उन्होंने अपनी अपनी बात रखी। उसमें बताया कि समाज ने पिछले कई वर्षों में जो तरक्की की है, जो समाज में कार्य किए हैं, उससे हम लोग संतुष्ट हैं और हमारे अध्यक्ष श्री राजकुमार राठौर के साथ मिलकर के हम लोग काम कर रहे हैं। वहीं इस मामले में समाज के दूसरे पक्ष के शेखर राठौर ने बताया कि काफी देर चली सभा में कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकला है। एक दो दिन में दोबारा मीटिंग आयोजित की जाएगी, इसके बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। साधारण सभा शुरू होने के पहले ही नवनिर्वाचित सभापति के लिए दो नाम प्रस्तावित किए गए, दोनों ने ही इस मामले में इनकार कर दिया। कई वर्षों से समाज अध्यक्ष के विरोधी रहे महेश गठिया को अपने पक्ष में बिठाकर उन्हें सभापति बनाया गया। इस दौरान मेरे द्वारा वर्जी वोटर लिस्ट सहित अन्य खुलासे सबूत सहित सभा के सामने किए गए, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग जवाब देने से बचते रहे। अन्य लोगों ने भी अपनी बात समाज के समक्ष रखी है। इनके साइन से बनाया हुआ मिट्टी 2006 में इन्होंने रेडी करा है खुद ने, फिर उसको ये एविडेंस दे रहे हैं। तो आपके बनाई हुई तारीख के हिसाब से 36 साल का हो गया भाई, तो इनको चुनाव लड़ने का अधिकार क्यों नहीं था? ये जवाब मुझे सीएम बिहार और ये ट्रस्टी का, ये आप लोगों की निर्णय लेना है कि इस व्यक्ति को पत्ते हटा के आज अध्यक्ष चुनो। आप लोगों का बोलो समर्थन है, आप लोगों का समर्थन है, मुझे बोलो, हाँ मुझे बोलो, अगर आप अध्यक्ष चेंज करना चाहते हो तो ये चाहते ही जैसे कि इन दोनों फोन लगा रहा है, जनता को बुलाया फोन लगा